हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश फिक्शन की यूनिट नंबर 8 से जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ एक पॉलिटिकल सटायर जिसका नाम एनिमल फार्म है, इसकी कहानी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आइए इस कहानी से जुड़े हुए कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल का यह नॉवेल जिसका नाम एनिमल फार्म है एक पॉलिटिकल सटायर है। जॉर्ज ऑरवेल एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और क्रिटिक भी थे। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत फेमस नॉवेल है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, एनिमल फार्म 1945 में पब्लिश्ड हुआ था। तो दोस्तों, ये थे कुछ की फैक्ट्स। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फार्म से, यानी जानवरों का बाड़ा, जहाँ पर जानवर रहा करते थे, और उस फार्म का नाम था मैनर फार्म, और इस फार्म का मालिक मिस्टर जॉन था। दोस्तों, यह मिस्टर जॉन एक शराबी था और इस कारण इस फार्म में रहने वाले जानवर भी अपने मालिक यानी मिस्टर जॉन से बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि मिस्टर जॉन शराब के नशे में अपने जानवरों पर घोर अत्याचार किया करता था। तो दोस्तों, कहानी व्यंग्यात्मक है। तो होता क्या है कि एक दिन फार्म के सभी जानवरों ने मीटिंग रखी और मीटिंग की अध्यक्षता एक ओल्ड मेजर पिग कर रहा था, यानी एक बूढ़ा सुअर कर रहा था। तो अब होता क्या है कि सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह ले ली, यानी अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब मीटिंग स्टार्ट होती है तो मेजर पिग फार्म के सभी जानवरों से कहता है कि हम सभी लोग मिलकर जो कुछ भी पैदा करते हैं, यानी जिस किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उसे सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। मतलब मेहनत हम सब लोग करते हैं और हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो यहाँ मेजर पिग कहता है कि हमें अपने मालिक मिस्टर जॉन से अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन मेजर पिग कहता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम सबको मिलकर अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। और यह कहकर मेजर पिग मर जाता है। लेकिन मरने के पहले सभी जानवरों को नींद से वो जगा गया, मतलब अपने हक के लिए लड़ना सिखा गया। अब दोस्तों, कहानी में होता क्या है कि मैनर फार्म का ओनर मिस्टर जॉन एक दिन जानवरों को खाना देना भूल गया था। तो जानवर एकजुट होकर मिस्टर जॉन को फार्म से भगा देते हैं और उसके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और उस फार्म के मालिक स्वयं बन जाते हैं। और सभी जानवर फैसला करते हैं कि वे सभी जॉन के घर की बजाय फार्म के अंदर ही रहेंगे। ऑल द एनिमल्स आर एग्री एक्सेप्ट नेपोलियन। सभी जानवर सहमत हो जाते हैं सिवाय नेपोलियन के। दोस्तों, इस नेपोलियन के बारे में आगे कहानी में आपको बताएंगे। कहानी में एक पिग और है, यानी एक सुअर और है जिसका नाम स्नो बैल है। और स्नो बैल के लीडरशिप में, यानी नेतृत्व में, फार्म के कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। सबसे पहले मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया गया। और जो नियम बनाए गए थे, जिसे सभी जानवरों को फॉलो करना होगा। दोस्तों,
आइए आपको वो नियम एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले जो नियम था कि कोई भी जानवर जॉन के बिस्तर पर नहीं सोएगा। दूसरा नियम था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। तीसरा नियम था जानवर एक दूसरे को नहीं मारेंगे। चौथा नियम था चार पैर वाले अच्छे और दो पैर वाले बुरे। दोस्तों, चौथे नियम के बारे में आपको बता दें कि चार पैर वाले से मतलब जानवरों से है और दो पैर वालों से मतलब इंसानों से था। पांचवा और आखिरी नियम था कि सारे जानवर इक्वल हैं, बराबर हैं। चलिए, नियम तो बन गए और सभी जानवर इस नियम को मानने भी लगे थे और सभी जानवर अब फार्म के लिए ईमानदारी से मेहनत करने लगे थे। तो अब एनिमल फार्म को अच्छा बनाए रखने के लिए स्नोवेल नाम का जो सुअर था, सभी जानवरों की हफ्ते में एक बार मीटिंग रखा करता था। और जो मीटिंग होती थी उसमें पास्ट और प्रेजेंट को लेकर चर्चाएं हुआ करती थीं कि पास्ट में यानी जॉन के समय क्या क्या होता था और प्रेजेंट में यानी हमारे समय फार्म की हालत में अब क्या हो रहा है, कैसा सुधार हो रहा है, यानी एनिमल फार्म की तरक्की हो रही थी। तो दोस्तों, अब होता क्या है, स्नोबेल वॉज प्लानिंग टू मेक अ विंड मिल, जहाँ पर स्नोवेल नाम का जो सुअर था वो विंड मिल यानी पवन चक्की बनाने की योजना बना रहा था। एज वेल एज स्नोवेल टीचेस ऑल द एनिमल्स इन द फार्म, और साथ साथ जो स्नोवेल था वो फार्म के अंदर सभी जानवरों को टीचेस पढ़ा रहा था। लेकिन नेपोलियन को ये पवन चक्की वाली बात हजम नहीं हो रही थी। तो अब नेपोलियन एवरी टाइम यानी प्रत्येक बार स्नोवेल के काम पर नज़र रखने लगा था। दोस्तों, विंडमिल यानी पवन चक्की लगाने से होगा क्या, चलिए आपको बताते हैं कि स्नोवेल पवन चक्की इसलिए लगाना चाहता था ताकि फार्म में बिजली आ जाए, और फार्म में जब बिजली आ जाएगी तो फार्म और तरक्की करने लगेगा, फार्म में कई चीज़ों का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन तभी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और नेपोलियन आकर सभी के सामने आकर बोलता है कि ये पवन चक्की लगाने का जो आइडिया था वो स्नोवेल ने मेरा चुराया है, अर्थात स्नोवेल स्टोल माई प्लान, स्नोवेल ने मेरे प्लान को चुराया था। तो अब नेपोलियन करता क्या है कि उसके पास कुछ वाइल्ड डॉग्स थे यानी जंगली कुत्ते उसने पाल रखे थे, एंड विद द हेल्प ऑफ द वाइल्ड डॉग, उन जंगली कुत्तों की सहायता से नेपोलियन ने स्नोवेल को एनिमल फार्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी स्नोवेल को फार्म से भगा दिया गया। एंड इन द प्लेस ऑफ स्नोवेल, और स्नोवेल के स्थान पर नेपोलियन बिकेम द लीडर ऑफ द एनिमल फार्म, और एनिमल फार्म का जो लीडर था अब नेपोलियन बन चुका था। और लीडर बनते ही साथ नेपोलियन सभी जानवरों को भड़काने लगा था कि स्नोवेल फिर से मिस्टर जॉन को फार्म के अंदर लाने की प्लानिंग कर रहा था। और अब धीरे धीरे नेपोलियन फिर से सभी जानवरों से काम करवाने लगा था। तो अब होता क्या है कि नेपोलियन पवन चक्की बनवाने के लिए जानवरों से दिन रात काम लेने लगा था और जानवरों को खाना बहुत कम दिया करता था। पवन चक्की बनाने के लिए जो जानवर सबसे ज़्यादा काम किया करते थे वह बॉक्सर नाम का घोड़ा था। दोस्तों, अब कहानी में होता क्या है कि बॉक्सर जो घोड़ा था और बेंजामिन जो गधा था, ये दोनों लोग देखते हैं कि कुछ जानवर मिस्टर जॉन के घर पर उसके बेड पर सो रहे थे, और बेड पर सोना नियम के खिलाफ था क्योंकि जानवरों ने ही तय किया था कि कोई भी जानवर बेड पर नहीं सोएगा।
लेकिन दोस्तों धीरे धीरे नियम बदलने लगे, क्योंकि फॉर्म पर अब नेपोलियन जैसे क्रूर शासक का कब्जा हो गया था, राज हो गया था। दोस्तों नेपोलियन फॉर्म की चीज़ों के उत्पादन को बाहर बेचने लगा था, जैसे मुर्गियों के अंडों को। तो यहाँ पर मुर्गियाँ नेपोलियन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देती हैं, नेपोलियन के अगेंस्ट विद्रोह कर देती हैं। तो दोस्तों जब नेपोलियन के खिलाफ मुर्गियों ने विद्रोह कर दिया तो नेपोलियन ने उन मुर्गियों के साथ क्या किया कि उनको मरवा दिया। तो ये नियम भी फार्म का टूट गया था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, और इस नियम की जगह यह नियम बना दिया गया कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को बिना वजह बिना कारण नहीं मार सकता है, अगर मारेगा तो उसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अब दोस्तों कहानी में होता क्या है कि जितनी भी पवन चक्की जब बनकर तैयार हो गई थी तो उस पवन चक्की को मिस्टर जॉन ने बम लगाकर उड़ा दिया था। तो अब जानवरों ने तय किया कि पवन चक्की दोबारा बनाई जाएगी, लेकिन इस चक्की को बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, और फार्म के अंदर सुअर तो काम करते ही नहीं थे, और जो बचे हुए जानवर काम किया करते थे पवन चक्की को बनाने के लिए, वो जानवर भी अब हार मान चुके थे। लेकिन बॉक्सर जो घोड़ा था और बेंजामिन जो गधा था, इन दोनों ने हार नहीं मानी और ये दोनों मिलकर पवन चक्की बनाने में जुट गए। लेकिन अब दोस्तों होता क्या है कि पवन चक्की बनाते समय बॉक्सर बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो अब जब बॉक्सर काम करने के लायक नहीं रहा तो नेपोलियन ने उसे वहां से भी गायब करवा दिया। और यहां पर एक रूल जो बना था कि फार्म में कोई भी शराब नहीं पिएगा, लेकिन अब ये रूल भी टूट चुका था। पिक्स काम नहीं किया करते थे, बल्कि वे दूसरे जानवरों से काम करवाया करते थे, इसलिए बेचारे जानवर खाना ना मिल पाने की वजह से कमज़ोर होते जा रहे थे। लेकिन अब दोबारा पवन चक्की बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब होता क्या है कि सभी जानवरों ने एक बार दोबारा यूनिटी तैयार की और नेपोलियन के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, और नेपोलियन की बातों को मानने से सब जानवर इनकार करने लगे थे। तो जब नेपोलियन का काम कोई भी जानवर नहीं किया करता था तो नेपोलियन भी समझ चुका था कि उसका शासन अब समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों इसी विद्रोह के चलते इस कहानी एनिमल फार्म का अब अंत हो जाता है, यानी कहानी आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।